वन विभाग में भ्रष्टाचार और पौधरोपण के फर्जी आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए आज राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के सदस्यों ने ही अपनी सरकार को जमकर घेरा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक अलका सिंह ने दौसा जिले में वन विभाग द्वारा पौधरोपण के आंकड़ों को गलत बताया। बीजेपी विधायक ने कहा कि आधे से ज्यादा क्षेत्र में रोपे गए पौधे जीवित नहीं हैं और लगाए गए पौधों में से 20-30% ही जीवित बचे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार वन अधिकारी सत्य को छुपाने के लिए वनों में आग तक लगा देते हैं। वहीं इन आरोपों पर वन मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने कहा कि वन विभाग द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक 3,650 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया। इन पर 4,74,00,000 रुपए खर्च कर कुल 11,38,000 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वन विभाग की ओर से गत 4 सालों में लगाए गए पौधों का सत्यापन भी कराया गया, जिनमें से 5-80% तक पौधे जीवित मिले। कई स्थानों पर 90% तक पौधे जीवित पाए गए। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार मानसून की स्थिति भी पौधे के जीवित रहने में परेशानी खड़ी करती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पशुधन के कारण भी वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है। उधर विधायक अलका सिंह ने वन अधिकारियों द्वारा सत्यापन के झूठे आंकड़े पेश करने की चर्चा करते हुए कहा कि इसके सत्यापन के लिए फुल प्रूफ तकनीकी विकसित की जानी चाहिए। वहीं भाजपा के फूल सिंह मीणा ने भी पौधरोपण के सत्यापन के लिए ट्रैकिंग की व्यवस्था पर जोर दिया।